क्या मरकर भी जिंदा हो सकता है इंसान? पशु पक्षियों की तरह इंसान भी होंगे पुनर्जीवित? क्या अब इंसान होगा अमर? बदल रही है इंसान की लाइफ साइकिल। बचपन में आपने दादी नानी की कई कहानी किस्सों में सुना होगा कि आज यहां वो शख्स मरकर जिंदा हो गया तो आज उस महिला ने मरने के बाद फिर जिंदा होके पानी मांगा। अब ये तो थे किस्से कहानियां, पर अगर मैं आपसे ये कहूं कि ऐसा अब असल में होने वाला है तो आपके लिए ये मानना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। अगर आपने इंटरस्टेलर, पैसेंजर, कैप्टन अमेरिका और एलियन कोवेनेंट जैसी साइंस फिक्शन फिल्में देखी हैं तो आपने इनमें देखा होगा कि स्पेस से लौटने वाले एक शख्स को एक तरह के चैम्बर में जमा दिया जाता है और फिर कुछ सालों बाद उसे जिंदा कर दिया जाता है। लेकिन अगर इसे हकीकत से जोड़कर देखा जाए तो ये पूरी तरह से इम्पॉसिबल है। हाँ, लेकिन इस इम्पॉसिबल सी टेक्निक को असलियत में बदलने का दूसरा नाम भी साइंस है। साल था 2015। 14 साल की एक बच्ची इंटरनेट पर कुछ कुछ स्क्रॉल कर रही थी कि तभी उसे कुछ ऐसा दिखा कि उसने पेन पेपर उठाया और अदालत के नाम एक खत लिख दिया। खत में लिखा था कि मैं अभी सिर्फ 14 साल की हूँ और इतनी कम उम्र में मैं मरना नहीं चाहती। मुझे ऐसा लगता है कि क्रायो प्रिजर्वेशन से मैं एकदम ठीक जरूर हो जाऊंगी, भले ही इसमें कुछ सैकड़ों साल लग जाएं, लेकिन मुझे दफनाया ना जाए। ये बातें हैं लंदन की एक लड़की की जो कैंसर से जूझ रही थी। अब लाइफ में कुछ ज्यादा दिन थे नहीं, उसी दौरान उसे इंटरनेट के जरिए क्रायोजेनिक टेक्निक के बारे में पता चला, जिसमें उसने जाना कि क्रायोजेनिक प्रिजर्वेशन में मरने के बाद शरीर को सेफ रखा जा सकता है और जब बीमारी का पता चल जाए तो उसे जिंदा भी किया जा सकता है। यह सिर्फ इस बच्ची के मन का भ्रम नहीं है बल्कि एक अमेरिकन कंपनी एल्कर लाइफ एक्सटेंशन फाउंडेशन इसी दिशा में काम कर रही है, क्योंकि कंपनी का मानना है कि सालों तक इंसान के मृत शरीर को बचाकर रखने से उसे जिंदा किया जा सकता है। अब सवाल ये आता है कि आखिर ये क्रायो प्रिजर्वेशन बला क्या है? असल में इस बला से इंसान मरने के बाद फिर से जिंदा हो सकता है। कैसे? चलिए इसे थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। ये एक टेक्निक है, क्रायोजेनिक टेक्निक इसे कहा जा रहा है। इस टेक्निक में इंसान की डेड बॉडी को -0 डिग्री से 150 डिग्री टेम्परेचर में रखा जाता है। असल में क्रायो जो वर्ड है ये बना है यूनानी वर्ड क्रायोस से, जिसका मतलब है बर्फ जैसा ठंडा। हालांकि साइंस इसके लिए लगातार काम कर रहा है लेकिन सटीकता तो अभी भी इसके हाथों में नहीं है जिससे वो किसी डेड बॉडी को जिंदा कर सके। लेकिन साइंस उतना पीछे भी नहीं है, क्योंकि अब तक 3 बड़ी साइंस कंपनियों ने 350 लोगों को क्रायोजेनिक टेक्निक से फ्रीज करने की डील की है, यानी करीब 350 लोग इस डील को साइन कर चुके हैं ताकि उनके मरने के बाद उनके शरीर को क्रायोजेनिक टेक्निक के जरिए 150 डिग्री सेल्सियस में फ्रीजर में दफनाया जाए, जिससे उनके एक बार फिर जिंदा होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। हाँ, लेकिन ये सिर्फ एक पॉसिबिलिटी की तरह किया गया है और इसे लोगों का काफी सपोर्ट मिल रहा है। हालांकि इससे पहले इस टेक्निक का इस्तेमाल जानवरों की कुछ प्रजातियों पर किया जा चुका है जिसके रिजल्ट पॉजिटिव देखे गए। असल में ये एक्सपेरिमेंट गिलहरी और कछुए जैसे कुछ जीवों पर किया गया है और इसीलिए ये सोचा जा रहा है कि जब इस तकनीक से जानवर फिर से जिंदा हो सकते हैं तो इंसान क्यों नहीं। और शायद इसी जिद का नतीजा है कि आज अमेरिका का क्रायोनिस इंस्टीट्यूट, अल्कार फाउंडेशन और क्रायोरस नाम की कंपनियां ऐसी डील करने में लगी हुई है। अब जब इतना कुछ इस तकनीक के बारे में जान लिया है तो ऐसे में इस टेक्निक के प्रोसेस को भी जानना बेहद जरूरी है। दरअसल अगर कोई इंसान इस प्रोसेस में डील करना चाहता है तो उसे अपने रिलेटिव का रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। इसके बाद पर्टिकुलर शख्स की डेथ के बाद डेड बॉडी को अंतिम संस्कार की बजाय कंपनी में लाया जाता है और फिर शुरू होता है टेक्निक का दूसरा प्रोसेस, जिसमें डेड बॉडी को बाहर से बर्फ के पैकेट से ठंडा किया जाता है और फिर उसे उस फ्रीजर में ले जाया जाता है जहां उसका पहले से रजिस्ट्रेशन हुआ हो। इंसान की डेड बॉडी के बाद जितना जल्दी हो सके बॉडी को उतना जल्दी फ्रीज करना इज द फर्स्ट प्रायोरिटी, जिससे बॉडी के सेल, खासतौर पर दिमाग के सेल, ऑक्सीजन की कमी से टूटकर खराब ना हो जाए। इसके बाद डेड बॉडी से सारा का सारा ब्लड निकाल लिया जाता है और कुछ बॉडी पार्ट्स की प्रोटेक्शन के लिए उसके साथ फ्रीजिंग प्रोसेस को फॉलो किया जाता है। ब्लड निकालने के बाद शरीर में आर्टरीज के जरिए एंटी फ्रीज फ्लूड डाला जाता है। इसके बाद बॉडी की खोपड़ी में छोटे छोटे छेद किए जाते हैं और बॉडी में जो एंटी फ्रीज फ्लूड डाला गया है उसे क्रायोप्रोटेक्ट लिक्विड कहा जाता है। कंपनी कहती है कि ऐसा करने से बॉडी पार्ट्स में बर्फ नहीं जमती। अगर शरीर में बर्फ जम गई तो सेल्स की बाउंड्रीज ब्लास्ट हो जाएंगी और शरीर संरक्षित होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। इसके बाद लास्ट प्रोसेस में बॉडी को एक स्लीपिंग बैग में रखा जाता है जिसमें लिक्विड नाइट्रोजन 196 डिग्री टेम्परेचर में इसे रख दिया जाता है।
कंपनी का मानना है कि इस प्रोसेस से शरीर को 100 सालों तक सुरक्षित रखा जा सकता है। वहीं कुछ रिसर्च ऐसा भी कहती है कि इतने ही समय में फ्रीज जीव जिंदा हो सकते हैं, तो इंसान क्यों नहीं। हालांकि इस बात को साबित होने में भी 100 से ज्यादा साल लगेंगे, क्योंकि फिलहाल अमेरिका में 150 से ज्यादा लोगों ने अपने मृत शरीर को लिक्विड नाइट्रोजन से ठंडा करके रखवाया है। अब आपके दिमाग में एक बात जरूर आ रही होगी कि इस पूरे प्रोसेस में खर्च कितना आता है। तो अगर इसके टोटल खर्च की बात की जाए तो पूरे शरीर को फ्रीज करके सुरक्षित रखने में करीब $160,000 तक का खर्च आ सकता है। हालांकि कुछ लोग सिर्फ अपने सिर को फ्रीज करवाते हैं और इस प्रोसेस को न्यूरो प्रिजर्वेशन कहा जाता है। इसकी सबसे बड़ी वजह है कि मरने के बाद इंसानी दिमाग में सभी जानकारियां सुरक्षित रहती हैं और यही सबसे ज्यादा जरूरी भी है। इसकी मदद से हम किसी भी शख्स का क्लोन आसानी से बना सकते हैं। अब ओवरऑल इस पूरे प्रोसेस को समझने की कोशिश की जाए तो ये सिर्फ अजम्पशंस है, यानी ऐसा मान के चला जा रहा है कि आने वाले वक्त में ऐसा होगा या नहीं, इसके बारे में हम तो कुछ नहीं कह सकते। लेकिन इसके बाद भी एक सवाल और खड़ा होता है कि जब इस सच्चाई को लोग जानते हैं तो फिर अपने शरीर को यहाँ फ्रीज क्यों करवा रहे हैं। दरअसल 2016 में CNN की एक रिपोर्ट छपी जिसमें बताया गया कि कुछ कंपनीज ऐसी उम्मीद रखती हैं कि इंसानी शरीर को दोबारा जिंदा किया जा सकता है, यहाँ तक कि साइंस की मदद से उन इंसानों की जान जिन बीमारियों की वजह से गई है उन्हें भी ठीक किया जा सकता है। लेकिन फिलहाल हमारे आसपास ऐसी कोई तकनीक मौजूद नहीं है जिससे मरे हुए शख्स को दोबारा जिंदा किया जा सके। हालांकि जो कंपनियां इसके लिए काम कर रही हैं वो 1960 से जारी हैं और कंपनी में 2000 से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं। वैसे इस टेक्नोलॉजी का ज्यादातर इस्तेमाल अमीर लोग कर रहे हैं, वजह है करोड़ों का खर्च आना। अब एक सवाल और आता है और वो ये कि इसका विचार आया कहां से। दरअसल हुआ ये कि 2011 में फेमस साइंटिस्ट रॉबर्ट एंटीगर ने अपनी माँ के शरीर को भविष्य में पुनर्जीवन की होप में रिजर्व करवाया था, और ऐसा उन्हीं का मानना है कि इस कॉन्सेप्ट से स्नो क्रिएचर्स के साथ साथ इंसान भी क्रियोजेनिक टेक्निक के जरिए फिर से जीवन पा सकते हैं। रॉबर्ट एंटीगर ने अपनी दोनों पत्नियों के देहांत के बाद उनके शव को भी फ्रीज करवाया, और यहां तक कि उन्होंने अपने खुद के देहांत के बाद भी इसी तरह की तकनीक का उपयोग किया था। ये वही रॉबर्ट एंटीगर हैं जिन्होंने 1964 अमरता की संभावना का घोषणा पत्र जारी किया था। द प्रोस्पेक्ट ऑफ इमोरलिटी नाम की इस घोषणा पत्र में क्रायोजेनिक तकनीक के जरिए इंसान के फिर से जीवन पाने की संभावनाओं पर पूरी थ्योरी लिखी गई है। हालांकि पहले ये 64 पेज का था जो साइंटिस्ट के नए नए पहलुओं के सपोर्ट से 200 पन्नों का बना दिया गया। चलिए अब तक आपको इस टेक्नोलॉजी के बारे में मोटा मोटी जानकारी तो हो ही गई, पर इसमें सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि क्या ये टेक्नोलॉजी भरोसेमंद है, मतलब क्या इस पर भरोसा किया जा सकता है। तो भाई साइंस ने तरक्की जरूर की है लेकिन उतनी भी नहीं। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि अभी तक ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट इंसानों पर नहीं किया गया है, तो मामला अभी तक सिर्फ किताबों और कागजों में है। बाकी आप इस क्रायो प्रिजर्वेशन टेक्निक को कैसे देखते हैं हमें कमेंट में बताना ना भूलें। साथ ही वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें वन इंडिया।